नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव राव, डीएलएड के 505 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में प्रचलित पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पाठ्य योजना शुरू करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने अधिगमकर्ता को जानना है। जानने का मतलब कि उसकी अधिगम रुचि और अधिगम तरीका क्या है। यह जो तरीका होता है उसको हम समझने का अगर प्रयास करें तो हम जानेंगे कि जो हमारी योजना है वो इस पर बहुत निर्भर करती है। हमारी योजना बच्चे की आयु और रुचि के अनुसार ही होनी चाहिए। अच्छी योजना वह होती है जो अधिगम विधि और विषय वस्तु दोनों पर केंद्रित होती है। केवल अच्छे से पढ़ाना, लेकिन उसमें अगर विषय वस्तु नहीं है तो वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है पर्यावरण शिक्षण में कि यह योजना हमारे सामान्य योजना से कहीं अलग होती है। इसमें अधिगम विधि अलग होती है, इसमें हमारा बच्चों के साथ में बात करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। हमें कम काम करना है, हमें ज़्यादा बात बच्चों से करनी है। हमें अपनी योजना में विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्य देने हैं जो हमारे बच्चों को लगातार कुछ ना कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता रहे। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे इस योजना में हम बच्चों को विकल्प दें। विकल्प देने से तात्पर्य यह है कि हम उनको उनके हिसाब से, उनका जैसा मन हो वैसे उत्तर देने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। अब हम बात करेंगे हमारे प्रभावी पाठ्य योजना के कुछ चरणों के बारे में। सबसे पहले अगर हम जान लें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं। वह हो गया हमारा प्रकरण। उस प्रकरण से जुड़े हुए क्या शिक्षण बिंदु हो सकते हैं उसको हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षण बिंदु वह छोटे उद्देश्य होंगे जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं। इन शिक्षण उद्देश्यों को हम बच्चे के भाषा में बात करेंगे कि हमारे पढ़ाने के बाद बच्चा क्या कर सकेगा, जिनको हम अधिगम उद्देश्य भी कहते हैं। इसके उपरांत हम प्रस्तावना करेंगे जिसमें हम विशिष्ट अधिगम क्रियाओं की योजना बनाएंगे। प्रस्तावना करने पे हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे को क्या आता है, बच्चे के पहले के अनुभव क्या हैं और उनको हमें हमारे नए प्रकरण के साथ में कैसे जोड़ना है। अगला चरण जो होता है वह यह होता है कि हम बच्चे के अधिगम को समझें और समझ करके यह देखें कि उसको कितना आता है और उसके साथ में हमें क्या उदाहरण लेने हैं और क्या वस्तुओं का प्रयोग करना है जिससे कि वो अच्छा अधिगम कर सके। अगला चरण होता है परिणाम निकालना या पूर्व दृश्य देखना। परिणाम निकालने से तात्पर्य यह है कि हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाने के उपरांत हम बच्चों में वह बदलाव ला पाए हैं कि नहीं ला पाए हैं जिनको हमने उद्देश्यों में पहले सोचा था या बनाया था। आप इस बात को भी ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब बच्चों से बात करें और उनसे पूछें कि तुमने क्या सीखा, तो वो इस बात को बता सकें कि हमारे अध्यापक के साथ में हमने आज जो समय बिताया उसके बाद हम ये कर सकते हैं, हमने ये सीखा। अगर ये बच्चे कर पा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य कहीं से पूरा होता हुआ सा दिख सकता है। एक और जो चरण होता है जिसमें हमें पाठ्य योजना पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है वह होती है समय सीमा का निर्धारण करना। आप मानेंगे कि पर्यावरण शिक्षण में हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि यह शिक्षण और यह पाठ्य योजना बच्चों पर निर्भर करती है, क्योंकि बच्चों के अनुभवों को हम लेते हैं और लेने के बाद में फिर अपने उद्देश्यों के साथ में इसको जोड़ते हैं। तो समय रेखा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम अगर शिक्षण बिंदुओं को थोड़ा सा कम कर लें, 3-4 की जगह पे अगर हम उसको 2 रख लें तो हम शायद उसको अपनी समय सीमा जो हम एक सामान्य कक्षा में प्राप्त करते हैं उसमें हम ले सकते हैं। इसके बाद सबसे आवश्यक जो चरण आता है वह होती है पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण। पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण अच्छी तरीके से अगर समझने का प्रयास करें तो वह सब कुछ होता है जो अध्यापक करता है कक्षा में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रकरण के साथ में। और जब हम यह कर लेते हैं या यह चरण पार कर लेते हैं, एक और सबसे आवश्यक चरण हम अध्यापकों के लिए या आप अध्यापकों के लिए होगा वह यह होगा कि जब आपने पाठ्य योजना बनाई और पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण भी कर लिया तो उसमें क्या कमियां लगी आप उनको फिर से सुधार कर सकते हैं।
आप उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस विषय को आज जैसे पढ़ाया है वैसे ही आप उसको हमेशा पढ़ाएंगे, और ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि आपने आज जिस विधि से और जिस उपकरणों से और विषय वस्तु के साथ में जिस प्रकरण को आज पढ़ाया है दूसरे प्रकरण को आपको दूसरे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए हमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। अब हम एक प्रचलित पाठ्य योजना कैसे बनती है इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम इस बात का निर्धारण कर लें कि हम किस कक्षा के लिए यह पाठ बना रहे हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हमने यहाँ पे कक्षा 3 ली है और हमने माना है कि ये लगभग 40 मिनट की कक्षा में समाप्त हो जाएगा। विषय हमारा पर्यावरण अध्ययन है और शीर्षक है मानव निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुएं, जीवित एवं निर्जीव वस्तुएं, हमारे इर्द गिर्द की वस्तुएं। शिक्षण बिंदु जो हमारे होंगे वह होंगे मानव निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुएं, जीवित एवं निर्जीव वस्तुएं। अधिगम उद्देश्य इस प्रकरण के लिए होंगे बच्चे मानव निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं को परिभाषित कर सकेंगे और उदाहरण दे पाएंगे, बच्चे जीवित एवं निर्जीव वस्तुओं के लक्षण बता पाएंगे, बच्चे जीवित एवं निर्जीव वस्तुओं में भेद कर पाएंगे, अपने विद्यालय घर के पर्यावरण में कुछ जीवित एवं निर्जीव वस्तुओं को एकत्र कर पाएंगे, कुछ जीवित एवं निर्जीव वस्तुओं के वो रेखाचित्र भी बना पाएंगे। जैसे कि आज के इस विषय के लिए हम कुछ शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करेंगे, जैसे फ्लेनल बोर्ड, कुछ पदार्थ जैसे हम प्रयोग कर सकते हैं कंकड़, पत्थर, फूल, पौधा, निर्जीव एवं सजीव वस्तुओं के चित्र जिनको भी मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट पेपर, विभिन्न मानव निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं की नाम पट्टिकाएँ। पूर्व ज्ञान हमें यह पता है कि बच्चों को अपने आसपास के विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान है तथा वे उन्हें पहचानते हैं। अधिगम पद्धतियाँ आगमनात्मक एवं निगमनात्मक उपागम प्रयोग की गई हैं। आप अगर पाठ्य योजना पर ध्यान दें तो सबसे पहली जो रेखा है वह प्रस्तावना दिखाती है और उसके बाद जो बायां कॉलम है वह दिखाता है कि प्रश्न क्या पूछे जाएंगे और संभावित उत्तर क्या होंगे। पहला प्रश्न है बच्चे उन वस्तुओं के नाम बताइए जो आप अपने घर या अपने विद्यालय में देखते हैं। बच्चे उदाहरण दे सकते हैं पेड़, पौधे, स्कूटर, बस, कुर्सियां इत्यादि। अगला प्रश्न अध्यापक का हो सकता है कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिन्हें प्रकृति ने बनाया है। बच्चे उदाहरण दे सकते हैं पानी, पौधे, आकाश, सूर्य इत्यादि इत्यादि। कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो मानव द्वारा निर्मित हैं। बच्चे बता सकते हैं घर, कपड़े, मेज़, कुर्सियाँ, चौक इत्यादि। अध्यापक का प्रश्न हो सकता है हम इन वस्तुओं को क्या कहते हैं। बच्चे हो सकता है सटीक तरीके से इसका उत्तर ना दे पाएं, यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और हम अपने समस्या कथन पर पहुँचते हैं जहाँ हम बताएंगे आज हम मानव निर्मित एवं प्रकृति निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं। सबसे बाएं में हमारा शिक्षण बिंदु है जहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु है मानव निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुएं। विद्यार्थी अपने विद्यालय के आसपास की चीज़ों के बारों को देख करके उत्तर देगा। आइए हम उन वस्तुओं को की सूची बनाते हैं जिनको हम पर्यावरण में देखते हैं। बच्चे उन सूचियों को बनाएंगे, वो पेड़ लिख सकते हैं, कूलर लिख सकते हैं, स्कूटर लिख सकते हैं, रोशनी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। प्रश्न अध्यापक कर सकता है वस्तुओं की सूची अलग अलग कर लो और जो मानव निर्मित हैं उनको अलग कर लो और जो मानव ने नहीं बनाए उनको अलग कर लो। बच्चे एक कागज़ की सूची बना सकते हैं जिसमें यह लिख सकते हैं कि मानव निर्मित कौन सी वस्तुएं हैं और कौन सी मानव निर्मित नहीं है। जब इन सूचियों को बच्चे बना लेंगे और इस सूचियों को बनाते वक्त अध्यापक बच्चों के बीच में घूमेगा और देखेगा कि बच्चे कौन कौन सी वस्तुएं लिख रहे हैं और उनके क्या अनुभव रहे हैं उनके आसपास जिनको वो वहाँ पर सूचीबद्ध कर रहे हैं। इसके बाद अध्यापक पूछ सकता है शिक्षार्थी अध्यापक जो आप होंगे वह पूछेंगे बच्चों बताइए कि आपने इनको मानव निर्मित में और इनको प्राकृतिक वस्तुओं में क्यों रखा है।
बच्चे अपने अपने कारण बता सकते हैं, उसके बाद अध्यापक अपनी बातों को बच्चों की बातों को सुन करके जोड़ करके अपने बातों को बताएगा। एक चित्र यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है जिसको मैंने इसी क्रिया को एक और तरीके से करने का प्रयास किया है, जिसको आप भी कर सकते हैं। आप दो डिब्बे निर्जीव और सजीव वस्तुओं के या मानव निर्मित या प्राकृतिक वस्तुओं के बना सकते हैं, और एक डिब्बा जिसमें आप इन सभी वस्तुओं के पर्चियों को या फ़ोटोज़ को, जैसे कि मेरे पास में हैं ऐसे फ़ोटोग्राफ्स को ले सकते हैं और इनको फोल्ड करके उन डिब्बों में डाल सकते हैं। ये पीला जो डिब्बा है उनमें ऐसे ही फ़ोटोग्राफ्स हैं जिनको फोल्ड करके डाला हुआ था मैंने, और बच्चे एक एक करके आते थे और उसको उठाते थे और उसको देखते थे, और देखने के बाद में यह डिसाइड करते थे कि ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक है, और इसको उसी डिब्बे में डालते थे। जब बच्चे इसको उस डिब्बे में डालते थे तब मैं या आप पूछ सकते हैं कि आप इनको इस डिब्बे में क्यों डाल रहे हैं, ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे आपको ये पता चलता है कि ये मानव निर्मित हैं या ये प्राकृतिक हैं। यहाँ पे भी तीन कॉलम हैं। हमारा जो शिक्षण बिंदु है वह है जीवित एवं निर्जीव वस्तुएं। शिक्षक अध्यापक प्रश्न कर सकता है, आइए हम उन वस्तुओं को दोबारा देखते हैं जिनमें जीवन है। बच्चे उन सभी वस्तुओं को देखेंगे। जीवित वस्तुओं के कुछ उदाहरण दीजिए। बच्चे उदाहरण देंगे जैसे मानव, बिल्ली, पेड़, गाय, शेर, वो सभी बातें बोलेंगे जो उनके आसपास वो देखते हैं और वो आपको बताएंगे। अध्यापक प्रश्न पूछ सकता है, इन वस्तुओं को आप जीवित क्यों कहते हैं? फिर उसके बाद में बच्चे बता सकते हैं, क्योंकि ये सांस लेते हैं, क्योंकि ये बच्चों को जन्म देते हैं, क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अध्यापक इन सब बातों को लेकर के अलग अलग वस्तुएं दिखा करके पूछ सकता है और बता सकता है। जैसे कि अध्यापक अपने हाथों में किसी वस्तु को उठा करके बच्चों को दिखा करके पूछ सकता है, अच्छा बताइए ये जीवित है या निर्जीव? तब बच्चे बताएंगे, सर ये तो हाथी है। तो मैं पूछता हूँ, हाथी है तो ये बताओ ये सजीव है या निर्जीव? तब वह बताएंगे कि ये चल सकता है, ये आवाज़ करता है, ये खाना खाता है। तो ऐसी बहुत सी बातें अध्यापक ऐसे ऑब्जेक्ट्स को दिखा करके पूछ सकता है। ऐसे ही अध्यापक उनके आसपास प्रयोग होने वाली और जो सामान्य बच्चों ने अपने आसपास देखा हुआ है बोतल को दिखा सकता है। और इन बोतल के अलावा अगर हम बात करें तो शायद बच्चों ने ऐसा रिंच देखा होगा, उन्होंने ये रस्सी देखी होगी, जिनको वो अपने जीवन में रोज़मर्रा के दिनचर्या में अपने आसपास पाते हैं और देखते हैं। इन सामानों के अलावा कई और ऐसे सामान हैं जिनको वो अपने घरों में प्रयोग करते हैं, उनको भी दिखा करके अध्यापक पूछ सकता है कि अच्छा बताओ ये सजीव है या निर्जीव। एक और काम किया जा सकता है, वह एक सजीव और एक निर्जीव को अपने आसपास रख सकता है और फिर उनसे पूछ सकता है कि अच्छा बताओ सजीव कौन है और निर्जीव कौन है, और अगर ये सजीव है तो ये सजीव क्यों है, और अगर ये निर्जीव है तो ये निर्जीव क्यों है। अब हम बच्चों से बात करेंगे जीवित वस्तुओं के लक्षण क्या होते हैं। बच्चों ने जो बातें बताई हैं उनको हम श्यामपट पर भी लिख सकते हैं, और श्यामपट पर लिखी हुई बातों को हम यहाँ पे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं उनको हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। जैसे कि बच्चों ने बोला वे सांस लेते हैं, मैंने आपके लिए एक पट्टी बनाई हुई है जिसमें लिखा है कि वह सांस लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे ऐसे लगा देता हूँ, वह सांस लेते हैं। कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि वह खाना खाते हैं। इनको भी हम ऐसे ही यहाँ पे लगाते चलते हैं, और ऐसे ही बच्चों ने जो जो बातें हमें बोली हुई होगी उसको यहाँ पे हम लगाते चलेंगे। शिक्षक द्वारा बोर्ड पर पट्टियों पर बच्चों द्वारा जिन बातों को कहा गया है कि वह लक्षण हैं सजीव वस्तुओं के, वह यहाँ पे बोर्ड में लगा दिए गए हैं अध्यापक द्वारा, जिनको कि आप देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। स्लाइड में अगर आप देखें तो बाएं कॉलम में जहाँ जीवित वस्तुएं हैं वहाँ पे हमने लिखा है सांस लेती हैं, स्वयं चलती हैं, आकार में बढ़ती हैं
और बच्चों को जन्म देती हैं। और वहीं निर्जीव वस्तुओं में इसमें लिखा है, सांसें नहीं लेती हैं, स्वयं नहीं चलती हैं, आकार में बढ़ती नहीं हैं और बच्चों को जन्म नहीं देती हैं। हमारे शिक्षण बिंदुओं के उपरांत हम यह जानना चाहेंगे कि बच्चों के अंदर जो उद्देश्यों को हमने चाहा था कि वह आ जाएं, वह आए हैं कि नहीं आए हैं। तो हम पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति करने पर हम बच्चों से कहेंगे कि जीवित वस्तुओं के चित्र व निर्जीव वस्तुओं के चित्र चार्ट पर चिपकाइए। मैंने आपके दिखाने के लिए एक चार्ट रखा हुआ है। यह एक चार्ट है। इस चार्ट पर हम बच्चों को कहेंगे कि वह सजीव व निर्जीव वस्तुओं के चित्र चिपकाएं। मेरे पास विभिन्न चित्र जो निर्जीव और सजीव वस्तुओं के हैं, उनको लाकर के मैंने रखा हुआ है। इनको आप देख सकते हैं, उनको मैंने मिला दिया है। मिला देने से क्या होगा कि वह उनको अपने हिसाब से जिन विशेषताओं को हमने उनको सिखाया है, उनको वह चिपकाएंगे। इनको चिपकाने के लिए यह चार्ट उठाएंगे और बच्चों को एक एक करके बुला सकते हैं ताकि सब लोग यहाँ पे आएं और इसमें करें। हम ऐसे फ़ोटो बच्चे को देंगे और बच्चे फेविस्टिक की सहायता से इसके पीछे ग्लू लगा करके इसको यहाँ चिपका देंगे। हमें बच्चों के चार्ट पर चिपकाने के तरीकों को देखना और समझना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क में क्या वर्गीकरण भी आया है कि नहीं आया है, इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। यह चार्ट दिखने के बाद कैसा लगता है कक्षा में, उसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, बच्चों ने यहाँ पर चार्ट में सजीव को एक तरफ, निर्जीव को एक तरफ करा है और चिपकाया है। यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली हैं वह यह हैं कि उन्होंने न केवल पहचाना है कि कौन सजीव और निर्जीव हैं, उन्होंने वर्ग भी किया है। मस्तिष्क में वर्गीकरण होना यह भी बहुत आवश्यक है और उनको यह पहचानना आना चाहिए कि उनके आसपास कौन सी चीज़ें सजीव हैं और कौन कौन सी निर्जीव। पुनरावृत्ति के उपरांत आप लोगों को बच्चों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य को अगर हम देखें तो स्लाइड में अगर हम ध्यान दें तो हम कुछ ऐसे काम दे सकते हैं कि 5 मानव निर्मित एवं 5 प्राकृतिक वस्तुओं के नाम की सूची बनाएं, 5 जीवित एवं 5 निर्जीव वस्तुओं की सूची बनाएं और आप उनको इनके चित्र भी बनाने को कह सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, हमने उनको कोई बड़ा निबंध या कोई बड़ा लेखन लिखने को नहीं दिया है। हमने उनको कुछ ऐसी छोटी छोटे कार्य दिए हैं जिससे कि वह अपने आसपास की चीज़ों को पहचाने और लिखें, और साथ ही साथ हम यह चाहते हैं कि जिन चीज़ों को वो देख रहे हैं उनमें क्या विचित्रताएं हैं उनको भी वो आत्मसात करें, इसलिए हमने उनको चित्र बनाने को कहा है। चित्र बनाने से उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसको आप पहचान सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन और अध्यापन करते वक्त हमें अगली कक्षा में किस बात का और ध्यान रखना है। हमने अपनी पाठ योजना में आज जाना कि सबसे पहले हमें शिक्षण बिंदु का ध्यान रखना है, फिर इन शिक्षण बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए कैसे उद्देश्य बनाने हैं, फिर उसके बाद हमने बात की कि हमें प्रस्तावना कैसे करनी है। हमने यह जाना कि प्रस्तावना करने के साथ साथ बच्चों को कैसे समझना है कि वह कैसे समझ रहे हैं ताकि हम आगे प्रस्तुतिकरण पर बढ़ सकें। हमने यह भी जाना कि हम परिणाम निकालते हुए आगे बढ़ेंगे और समय सीमा का ध्यान रखते हुए प्रस्तुतिकरण करेंगे, और यह करने के उपरांत हम अपनी पाठ्य योजना पर पुनर्विचार करेंगे कि कहीं अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, हम उसको फिर से सुधार कर सकें। आशा करता हूँ मैं आपकी सहायता कर पाया होऊंगा। पाठ्य योजना पर्यावरण अध्ययन में कैसे बनाई जाए, कुछ बातों को फिर से समझ लीजिए। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना सामान्य पाठ्य योजना से अलग इस प्रकार से है कि इसमें हम उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं जो हमारे सोचे हुए उद्देश्य और हमारे बच्चों के उद्देश्य, उनको जोड़ करके पर्यावरण की तरफ ले जाती हो।
इनमें हम उन्हीं पाठ्य वस्तु को और वस्तुओं को प्रयोग कर सकते हैं जो उनके आसपास मिलती हो और जिनको वो कक्षा में पढ़े वह बाहर जा कर के उसको अपने जीवन में प्रयोग भी कर सकें। आप इस बात का ध्यान दें कि इस पाठ्य योजना में जो उदाहरण दिए गए हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो बिल्कुल भी किताबी नहीं थे, वह ऐसे थे जो उनके सामान्य जीवन से जुड़े हुए थे। पर्यावरण शिक्षण की योजना की जो अलग बात होनी चाहिए वह यही ही होनी चाहिए कि वह ज़्यादा छात्र केंद्रित हो और हम जब उनके साथ बात करें तो उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों को भी जोड़ें, क्योंकि यह पर्यावरण अध्ययन के विशिष्टताएं होती हैं। और साथ ही साथ हम बच्चों के अंदर उन मूल्यों का भी रोपण करें जो उनके अंदर एक सकारात्मक अभिवृत्ति को भी लाएं। मैं आशा करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।